भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड दौरे पर लिसेस्टरशायर के खिलाफ 4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच की पहली पारी में कुछ खास कमाल नहीं कर सके। इस दौरान मैदान पर विराट कोहली ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि विराट कोहली इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट की नकल कर रहे हैं, हालांकि कोहली को इसमें कामयाबी नहीं मिली। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बल्लेबाजी के दौरान विराट कोहली नॉन स्ट्राइक छोड़ पर अपने बल्ले को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहे। सोशल मीडिया पर कोहली का बल्ले को बैलेंस करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग कॉमेंट्स कर रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी विराट कोहली को ट्रोल किया। वॉन ने वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, विराट बल्ले को जो रूट की तरह बैलेंस नहीं दे सके। इससे पहले जो रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अपने बल्ले को बिना किसी सहारे के नॉन स्ट्राइक छोड़ पर खड़ा किया था। न्यूजीलैंड की पारी के 23वें ओवर के दौरान जब काइल जेमिसन गेंदबाजी के लिए आए तब रूट नॉन स्ट्राइक एंड पर थे, लेकिन जो रूट ने अपना बल्ला हाथ में नहीं पकड़ा था, फिर भी उनका बैट सीधा खड़ा हुआ था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला था। लोग इसे रूट का जादू बता रहे थे। विराट ने अभ्यास मुकाबले में पहली पारी में 69 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 4 चौके और 1 छक्का लगाया। विराट को नौसिखिए रोमन वॉकर ने LBW आउट किया। वॉकर वही गेंदबाज है जिन्होंने अपने पहली पारी में अभी तक कुल 5 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें कोहली के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा, हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा के बड़े विकेट शामिल है। मैच की बात की जाए तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 246 रन बनाए। स्ट्राइकर भरत 70 रन बनाकर नाबाद लौटे। रोहित शर्मा 25 रन बनाकर आउट हुए। वहीं ओपनर शुभमन गिल 21 रन का योगदान दिया।